एंटरप्रेन्योरशिप में आपने इसे सुना होगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बट एक्चुअली इसका मतलब क्या है? चलें एक स्टोरी सुनते हैं। एक दफा एक ट्रक ड्राइवर बहुत सारी सैंड लोड करके जा रहा था और उसने एक ब्रिज को क्रॉस करना था, ठीक है। लेकिन जो ब्रिज के अंडर जो रास्ता था वो बहुत शॉर्ट था, और क्योंकि ट्रक को अलाउ नहीं था नीचे से जाना, तो वो ऊपर से जाने की बजाय रूल्स को ब्रेक करते हुए नीचे से चला गया, ठीक है, ताकि जल्दी पहुंच जाए। और फॉर्चुनेटली उसको उस टाइम पे कोई ट्रैफिक पुलिस भी नहीं थी उस एरिया में, तो वो खुशी खुशी नीचे से चला गया, ठीक है, और जल्दी भी पहुंच गया। थोड़े से टाइम के बाद उसी ट्रक ड्राइवर को अगेन एक काम असाइन होता है और उसी रास्ते से उसने जाना होता है, बट दिस टाइम ट्रक ड्राइवर को जो मटेरियल होता है वो सैंड नहीं बल्कि रोड्स होती हैं, इस तरह की बड़ी बड़ी लंबी लंबी, ठीक है। वो बहुत ही इंटेलिजेंसी दिखाते हुए रोड्स को जो होती हैं उनको सेट करता है अपने ट्रक के ऊपर। उसका बॉस भी बहुत खुश होता है और वो ट्रक लेकर जा रहा होता है, और अगेन वो ही काम करता है, ट्रैफिक पुलिस को ना देखते हुए ब्रिज के अंडर से क्रॉस करने की कोशिश करता है। बट जब वो क्रॉस कर रहा होता है तो एकदम से उसको आवाज सुनाई देती है और साथ ही उसका ट्रक जो है वो रुक जाता है, ठीक है। तो वो देखता है कि क्या मसला है, तो वो जब उतर के देखता है तो उसको पता चलता है कि उसकी जो रॉड्स है ना वो ब्रिज के ऊपर अटक गई है, ठीक है, और आधा जो ट्रक है वो आगे और आधा पीछे, ठीक है। फॉर्चुनेटली इस टाइम में ट्रैफिक पुलिस नहीं होती, लेकिन अब वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है ना, ट्रक आगे जा सकता है ना पीछे, ज्यादा लंबा नहीं होता, सिर्फ 1.5 to 2 inches का डिफरेंस होता है, बट वो बहुत परेशान होता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये रोड्स उतारने के लिए उसको कम अज कम 3 4 घंटे चाहिए, और फिर वो ट्रक आगे लेकर जाएगा और फिर वो अगेन जो रोड्स उसने रिमूव की थी वो अगेन लोड करेगा और फिर वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो ये एक बहुत बड़ा काम था कि रोड्स को रिमूव किया जाए ऊपर से और फिर जो है ट्रक को मूव किया जाए आगे। तो बहुत परेशान हुआ, खड़ा सोच रहा था कि अब वो करे तो करे क्या, ठीक है। इसी सब में एक छोटा सा बच्चा, 10 12 साल का बच्चा आता है और वो गुजर रहा होता है पास से, और वो उससे पूछता है कि व्हाट्स द मैटर, आप इतने परेशान क्यों हो, ठीक है। तो वो उसको सारी कहानी अपनी बता देता है कि ऐसे हो गया मेरे साथ। तो वो बच्चा भी सोचता है, वो कहता है कि क्या बात है यार, अब तो ये बेचारा जो है मजदूर बंदा है और इसको सारा दिन लग जाएगा और मे बी ये जो काम है वो कंप्लीट ही ना कर पाए। तो वो सोच रहा होता है कि मैं कैसे इसकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ। तो वो उसके पास आता है, वो पहले ट्रक को ना गौर से देखता है, बट फिर वो उसके पास आता है और आगे पूछता है कि आपके पास टायर इन्फ्लेटर है जिससे हम टायर्स में हवा भर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं? तो ट्रक ड्राइवर कहता है बिल्कुल, हम तो टायर इन्फ्लेटर अपने पास रखते हैं ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो हम इजीली जो इतनी इतनी छोटी सी नीड है वो पूरी कर सकें, ठीक है, रास्ते में हमें अक्सर उकात ये जरूरत पड़ती है। तो वो बच्चा उसको कहता है, पहले तो उसकी आंखें शाइन हो जाती हैं ये सुन के ना, तो वो बच्चा कहता है कि तो फिर आप ऐसे क्यों नहीं करते कि टायर्स में से थोड़ी थोड़ी हवा निकाल लें, ठीक है, 1.5 to 2 inches आपके जो टायर है वो छोटे हो जाए, और जब वो हो जाएंगे तो आप ट्रक को आगे ले जाना, और अगर पॉसिबल हुआ तो अगेन हवा भर लेना, नहीं तो आप इजीली थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करते हुए अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच कर फिर टायर्स को भर लेना। तो वो ट्रक ड्राइवर बहुत खुश होता है उसकी ये बात सुन के। एक छोटा सा बच्चा, 12 13 साल का बच्चा ट्रक ड्राइवर को ना सिर्फ उसका टाइम बचाता है बल्कि उसको हैवी फाइन उसको हो जाना था अगर वो पकड़ा जाता उस टाइम पे। तो ये होता है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यानी ये वो आइडिया था जो ट्रक ड्राइवर के दिमाग में नहीं आया लेकिन एक 12 साल के बच्चे में उसने सोच लिया, ठीक है, पूरा ऑब्जर्व करके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन दबाएं, क्योंकि आपको एंटरप्रेन्योरियल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं, और लाइक भी करें। आपको क्या लगता है ये फेसबुक, यूट्यूब, ऊबर, ये सब क्या है?
ठीक है, ये सब कोई एप्लीकेशन या कोई बिजनेस होने से पहले एक आइडिया है, ठीक है। आने वाले वक्त में हर रेपिटेटिव टास्क जो है ना वो रिप्लेस हो जाएगा विद सम टेक्नोलॉजी। जैसे आप सुबह उठ के आपको कॉफी नहीं बनानी पड़ती, बल्कि कॉफी मेकर आपके लिए कॉफी रेडी करता है वन बटन के साथ, ठीक है। ये रेपिटेटिव काम को टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ड्राइवर लेस कार्स जो हैं वो अब आ जाएंगी और ये रिप्लेस कर देंगी ड्राइवर के काम को, ठीक है। रोबोटिक कार्स, उसके अंदर ही सारा सिस्टम वो ऑटोमेट होंगी। बन तो चुकी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि अभी बनेंगी, लेकिन वो इतनी कॉमन हो जाएंगी कि हर बंदे के एक्सेस में होंगी, ठीक है। ये ऊबर ड्राइवर्स वगैरह इससे शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट 5 to 6 years में या इससे ज़्यादा में भी, ठीक है। और वो रिस्क फ्री भी होगा, यानी कि उसमें जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो उसको ज़्यादा रिस्क फ्री और बेहतरीन बना रहा है एज कम्पेयर टू जो ह्यूमन उसके साथ कर रहे हैं। अब आते हैं इसकी तरफ कि यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया आखिर फाइंड आउट कैसे किया जाए। तो यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो, आइडेंटिफाई करो कि कौन लोग कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए ऑब्जर्व करना होगा अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है। आपके इर्द गिर्द के लोग कोई ऐसी कंडीशन से गुजर रहा हो जिसमें वो अनकंफर्टेबल फीलिंग फील कर रहा हो या बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहा हो, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल्स देती हूँ जिन प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी काम हो रहा है, जैसे कोई खातून है और वो हाउसवाइफ भी है और वर्किंग वूमन भी है, वर्किंग वूमन है लेकिन घर के जो काम है उसमें उसको काफ़ी परेशानी होती है। तो आप ऐसी ऐप बना सकते हो जिसके थ्रू वो मेड्स को या सर्वेंट्स को बहुत आसानी से हायर कर सके, कोई ट्रस्ट इशू ना आए उसमें या किसी किस्म की वो रिव्यूज पढ़ सके जो पहले उसने काम किया उस मेड ने या सर्वेंट ने, वो पिछले लोगों के रिव्यूज पढ़ सके, ठीक है। सेम इसी तरह आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो, कितना टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो किसी ने ये फील किया कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है तो नहीं जाना तो है ही, लेकिन किसी के जहन में आया कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, तो एक क्यों ना ऐसी एप्लीकेशन बना दी जाए जिसके थ्रू आप ग्रोसरी को आप ऑर्डर कर सकते हो। प्लास्टिक एक बहुत बड़ा इशू है जो प्लैनेट अर्थ को बहुत बुरी तरह से खत्म कर रहा है, ठीक है। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में सालों साल लग जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो आप कोई ऐसा आइडिया निकाल सकते हो जिससे प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बिजनेस क्रिएट किया जाए। ये बात आपने जहन में रखनी है कि आप बिजनेस कर रहे हो या फिर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो ताकि आप खुद को और उस आइडिया को स्टेबल कर सको, ठीक है। तो बात यह है कि आपने अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना है और उसमें से यूनिक आइडियाज निकालने हैं, ठीक है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जो जैसा दूसरे सोच रहे हैं उस तरह नहीं सोचना, आपको अपना थिंकिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, ठीक है, सोसाइटी में। आपने हर प्रॉब्लम को एक तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, किसी एक के साथ स्टक रहना है, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने उसमें से बिजनेस निकालना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है। फिलैंथ्रोपी टाइप में ही आपने प्रॉफिट रखना है अपना, ताकि आप खुद भी स्टेबल हो सको उसके थ्रू। अब चलते हैं कि यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया के लिए जिन चीज़ों के ऊपर आपको स्ट्रिक्टली फोकस करना है, ठीक है, उनमें से नंबर वन है आपकी स्किल्स। हर टाइम आपको लर्नर बनना है हर टाइम के लिए, ठीक है। स्किल्स लेनी है, खास तौर पे अगर कोई आइडिया आपके जहन में आ गया है, अब उससे रिलेटेड जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, बेशक आपने किसी को हायर करना है, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन की कुछ स्किल्स जो हैं वो आपको आए, पूरी ना भी आपको बनानी है, लेकिन उसके बारे में आपको एटलीस्ट 10% नॉलेज होना चाहिए कि मोबाइल एप्लीकेशंस कैसे बनती हैं, डेटाबेस क्या होती है। मैं क्लाइंट्स के साथ बात कर रही होती हूँ तो उनको इतना नहीं पता होता कि डेटाबेस किसको कहते हैं, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजीज और टेक्नोलॉजीज, यानी कि रिसेंट टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है, दी बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, टर्मिनोलॉजीज जो वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, वो उनका क्या मतलब है, आपको एटलीस्ट इतना पता हो ताकि कोई इंसान आपको आसानी से यूं कहें कि बेवकूफ ना बना सके, ठीक है। वो जो बात कर रहा हो आपको पूरी तरह से समझ आ रही हो, तो स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। 100% बनाना सीखना चाहते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन एटलीस्ट 10%, ठीक है, आपको नॉलेज होना।
नंबर टू, फास्ट डिसीजंस। ठीक है, आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप फास्ट डिसीजंस ले सको और वो करेक्ट डिसीजंस हो, ठीक है, गलत नहीं। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि आपका अगर प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और जब पिच आप करने जाओगे तो उसमें जस्ट फ्यू सेकंड्स मिलते हैं या मिनट्स मिलते हैं, 2 मिनट्स 3 मिनट्स के अंदर अंदर आपने अपना आइडिया भी एक्सप्लेन करना है, आपने क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं, तो इसको प्रैक्टिस आपने डेली लाइफ में करना है अपनी। ठीक है, जितने ज्यादा आपके फास्ट डिसीजंस होंगे, करेक्ट डिसीजंस होंगे इन लेस टाइम, उतना ज्यादा एफिशिएंट काम आप करोगे और आपको डेली लाइफ में काम के अलावा भी जो डिसीजंस हैं उनमें भी आपने आपको इस काबिल बनाना है कि आप फास्ट डिसीजंस कर सको। नंबर 3, वर्क स्मार्टली। स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, ठीक है, अब के दौर में। स्मार्ट वर्क का ये मतलब नहीं है कि आपने मेहनत नहीं करनी और बस सोचना है और सोचे सोचे काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। स्मार्ट वर्क का ये मतलब है कि जहां जहां आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, जो काम आपको नहीं करना चाहिए या उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, वो छोड़ दो, आपका टाइम बचे, एनर्जी बचे और आपके रिसोर्सेज बचे, ठीक है, ये मकसद है स्मार्ट वर्क का। ठीक है, आपने वेस्ट नहीं करना टाइम को, एनर्जी को, ठीक है, ये चीज। एंटरप्रेन्योरियल जर्नी इतना आसान नहीं है, ठीक है, इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि आपने स्मार्ट वर्क, मैंने कह दिया अब कल से आप स्मार्ट वर्क शुरू कर दो, हार्ड वर्क के बाद जो सेकंड स्टेज आती है ना, वो स्मार्ट वर्क की होती है। तो आपको अपने बिजनेस को स्केलेबल करना है। स्केलेबल का मतलब क्या, आपकी एफर्ट कम लगे और रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो, ठीक है, अभी या बाद में जो प्रिडिक्शन है उसमें, कि आपके एफर्ट कम लगेगा, रिसोर्सेज कम लगेंगे लेकिन स्केलेबल होगा, टाइम बचेगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा भी हो सकता है कि आपको 24 आवर्स को 32 आवर्स बना के काम करना पड़े। नंबर 4, गेट फीडबैक। मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखा है कि वो कमेंट्स नहीं पसंद करते अपने ऊपर, क्रिटिसिज्म नहीं पसंद करते, जबकि ये बहुत बड़ी नेमत है। आपके ऊपर जब कोई क्रिटिसाइज करेगा तभी आपको पता चलेगा कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कहीं पे आपने स्पेस छोड़ दी किसी को बात करने की, ठीक है। आपने फीडबैक लेनी है अपने जूनियर्स से, अपने कस्टमर से, अपने एम्प्लॉयज से, ठीक है, और हर किसी से, ठीक है, फैमिली मेंबर से। मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग छुप छुपा के काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी को पता ना चले बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा ना आप धूमधाम मचाओ कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन आप फीडबैक जरूर लो, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट की फीडबैक लाजमी। नंबर 5, रिसर्च। रिसर्च बहुत जरूरी है, इसके ऊपर मैं एक अलग से इस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगी, कंपेटिटर एनालिसिस और आपकी मार्केट रिसर्च, ये दोनों चीजें। आपकी मार्केट क्या आपके उस आइडिया के लिए रेडी है भी कि नहीं, क्या ये टाइम ठीक है, और दूसरा आपका आपका कंपेटिटर एनालिसिस, ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस पे अलग से वीडियो होगी क्योंकि बहुत इन डेप्थ इसमें कहानी है बहुत, लेकिन मार्केट रिसर्च को आपने इग्नोर नहीं करना, सॉरी ओवरऑल रिसर्च को। नंबर 6, डोंट थिंक टू मच अबाउट योर कंपेटिटर्स, ठीक है, बिल्कुल उन्हें इग्नोर भी नहीं करना और बहुत ज्यादा भी नहीं सोचना कि आपका आपके जो अगेंस्ट हैं वो तो इतने बड़े हैं ऑलरेडी, वो मार्केट पे छाए हुए हैं, ये वो ये। आपने अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना है, अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है और अपनी वीकनेसेस को कम से कम करने की कोशिश करनी है, ठीक है, कंपेटिटर एनालिसिस अपनी तरफ, लेकिन डरना नहीं है। नंबर 7, एक नोटपैड लें और उसके ऊपर वन बाय वन अपने प्लान्स लिखें, ठीक है, राइट डाउन जरूर करना है और उसको फाड़ कर कोशिश करें कि अपने शीशे पे या दीवार पे लगा दें। नंबर 8, नेवर गिव अप, प्लीज डोंट गिव अप। अली बाबा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जैक मा ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि पहले 3 साल तक अली बाबा से मैंने कुछ प्रॉफिट हासिल नहीं किया, ठीक है, 1 रुपया भी नहीं, $1 तक नहीं, लेकिन क्या लिया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर्स, ठीक है, और वो जैक मा के लिए इनफ था उस टाइम में, 90s की बात है ये,
कि ये साबित करने में कि उसका प्रोजेक्ट चलेगा, कि वो कुछ कर रहा है जो अच्छा है, लोगों को अच्छा फील करवा रहा है। ठीक है, सो नेवर गिव अप। 3 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है।